नमस्कार, मैं श्रेया सिंह, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए किस प्रकार सेना भर्ती न होने से युवाओं में आक्रोश, अंकित शुक्ल की मांग। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने ऑल इंडिया आर्मी रैली भर्ती बैनर तले की मांग। अलग अलग राज्यों कई जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों पहुंचे। दिल्ली जंतर मंतर ने अधिकारियों से बात करते हुए अंकित शुक्ला ने बताया है कि गरीब किसान मजदूर के बच्चे सेना ज्वाइन करते हैं। आश्वासन आर्मी हेडक्वार्टर अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि आपकी भर्ती की मांग न्यूनतम उम्र छूट, वर्ष की छूट दी जाएगी। भर्ती का नोटिफिकेशन 20 मार्च तक ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बधाई देते हुए कहा है कि आप सब तैयारी करो, आपकी भर्ती अप्रैल तक खराब ही दी जाएगी। सरकार भेदभाव कर रही है क्योंकि रैली भर्ती नहीं करा रही है, सपोर्ट रिलेशन भर्ती हो रही है। हम सभी युवा की मांग है कि हमारी भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए और कोरोना काल के समय जिन अभ्यर्थियों उम्र सीमा से अधिक हो गई है उन्हें 2 वर्ष की छूट दी जाए। अंकित शुक्ल ने बताया है कि हमारे देश के सबसे ज़्यादा फौजी सिपाही वहीं बनते हैं जिसमें कुछ न गुजरने की जज्बा होता है, क्योंकि हमारे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के बच्चे कभी सेना नहीं ज्वाइन करते क्योंकि उनकी राजनीति करनी है, तभी हम लोगों की भर्ती नहीं कराई जाती है। देश सेवा करने के लिए तभी भी भटकना पड़ता है। किसान अपने बेटे को फौजी बनाता है तब यह नहीं सोचता हमारा बच्चा शहीद होकर आएगा, वह जीवन वह सिर्फ यह सोचकर भेजता है। हम खेती करके लोगों को खिलाते हैं, हमारा बच्चा देश की रक्षा कर रहा है। क्या किसी नेता ने किसी गरीब और जवान की दिक्कत समझी है? अंकित शुक्ला ने बताया है कि आज तक किसी सरकार ने गरीब किसान मजदूर के बच्चों के लिए कोई निःशुल्क सेंटर आर्मी तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बनाया है। वह सड़क पर दौड़ते हुए दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कौन जिम्मेदार होता है? इस मौके पर अश्विनी शुक्ला, अंकुश शुक्ला, जतिन श्रीवास्तव, मनीष गौतम, अंकित मिश्रा, शिवम विमल, अमन साहू, योगेश संदीप, रंजीत रोहित, मोहित सोनू, मोनू राजपूत, सैकड़ों अभ्यासी पहुंचे।